हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज की मेरी इस वीडियो के अंदर दोस्तों बाईबिट लॉन्चपैड पर जो अगला टोकन जो लिस्ट होने वाला है, यानी कि लॉन्चपैड पर जो आ रहा है 11th प्रोजेक्ट है जो इनका ये, उसके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूँ। सीधा लेकर चलता हूँ आपको मैं बाईबिट लॉन्चपैड पर। बाईबिट एक्सचेंज पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इंडियन एक्सचेंज से तो आजकल कन्नी काट लो, वही सबसे ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं इंडियन एक्सचेंजेस के बारे में भी आपको कुछ खोलकर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं बाईबिट के ऊपर। बाईबिट पे आप जैसे ट्रेड सेक्शन पे जाओगे, यहाँ पे आपको लॉन्च पैड सेक्शन दिखाई देगा। जब लॉन्च पैड सेक्शन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा 11th प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ पे 10th दिखाई दे रहे थे, अब आपको 11th प्रोजेक्ट है जिसका नाम है एपेक्स, ठीक है। एपेक्स प्रोटोकॉल, एपेक्स करके इनका खुद का टोकन है। 3 दिन 13 घंटे बाद, यानी कि 3.5 दिन बाद आपको इसका स्नैपशॉट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपके टोकन का स्नैपशॉट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप बिट टोकन आपने होल्ड किए, मिनिमम 50 बिट टोकन आप होल्ड करते हो, तो आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। एक एपेक्स टोकन की वैल्यू है 0.05, यानी कि 5 सेंट का इसका प्राइस है। और टोटल इसमें बिट टोकन के थ्रू जो सब्सक्रिप्शन जो ले पाएंगे, करीब 8 मिलियन टोकन्स रहने वाले हैं। और लॉटरी सपोर्टेड इन यूएसडी, कमिट यूएसडीटी टू विन एंड एलोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट टोकन। तो यहाँ पर आपको 2 मिलियन एपेक्स टोकन है अगर आप यूएसडीटी कमिट करते हो लॉटरी के अंदर, यानी कि एक एपेक्स की वैल्यू भी सेम रहेगी। और अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से आपको 400 एपेक्स टोकन मिल सकते हैं। 400 एपेक्स टोकन की अगर हम वैल्यू की बात करते हैं तो $20 के टोकन की आप वैल्यू कर सकते हो। और मेरी जो इस प्रोजेक्ट्स के साथ एक्सपेक्टेशन, और मेरी एक्सपेक्टेशन क्यों इस प्रोजेक्ट के साथ, मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ इसके। एक्चुअली ये एक डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज डेरिवेटिव एक्सचेंज है। आप ये समझ लीजिए जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की तरह से आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो परमिशनलेस क्रिप्टोकरेंसी, परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग विद लेवरेज। रेफरल भी अवेलेबल है इसके अंदर, जबकि डेक्स में रेफरल नहीं होता, बट आप इसके अंदर रेफरल का भी मजा ले सकते हो। बॉन्ड ग्रैब योर एपेक्स एट अ डिस्काउंट प्राइस, स्टेकिंग भी कर सकते हो अपने एपेक्स टोकन की, ठीक है। अब इसको ही क्यों, मैं सीधा लेकर चलता हूँ आपको। ये देखिए इनके, आप जैसे लॉन्च ऐप पे करोगे, चाहे ट्रेड नाउ पे करोगे, तो इनका ये प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। आप देख रहे होगे यहाँ पर बिल्कुल जैसे आपने बाइनेंस का थोड़ा सा देखा है, उसी तरह से आप यहाँ पे वॉलेट को कनेक्ट कर लीजिएगा और आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके अभी तो देखिए ईथर यूएसडी का अभी फिलहाल इसके अंदर पेयर अवेलेबल है। बाकी डैशबोर्ड यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ट्रेड जो भी आपको यहाँ पर होगी, ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हो। बाय सेल आप इजी कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है। और इन्होंने इसके अंदर प्रोफेशनल चार्ट के टूल्स भी दिए हुए, लाइक जैसे आपने बाइनेंस के अंदर भी देखा होगा। तो इसका प्लेटफॉर्म का भी यूज़ कर सकते हो, और आगे चलकर इसी तरह के प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा यूज होंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ। कुछ ना कुछ ड्रामा ही रहता है। आप एग्जांपल ले लीजिए बिटबीएनएस का, जिसके अंदर 93-94% का डंप भी देखने को मिला है। इंडियन एक्सचेंज है तो लोगों ने जिन्होंने टोकन को होल्ड किया हुआ था, यानी कि 1 लाख रुपये की आज की वैल्यू रहेगी 3-4 हज़ार रुपये, ठीक है। तो यही होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर ये ड्रामा आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोस्तों अब मेरे जो इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर एक्सपेक्टेशन है, अगर आपने लॉटरी के अंदर पार्टिसिपेट किया और आपको $20 की लॉटरी के अंदर अगर टोकन मिल जाते हैं एपेक्स टोकन, तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन है इजीली आपका यहाँ पे कम से कम 10x से 20x बहुत ही आसानी से देके जाएगा। यानी कि आपको वो जो $20 है आपके 200 से लेके क्या आपका, अगर किसी में अच्छी रही तो $500 तक भी देके जा सकता है। और बाकी इस टीम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ये परफॉर्म कर रही है, और कुछ और भी अनाउंसमेंट हो जाती है, कुछ और भी एक्सचेंजेस के साथ हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म हमें करता हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बिट टोकन के थ्रू, 7001 बंदा टोकन इसके अंदर ले सकता है। 7000 टोकन की वैल्यू $350 की होती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर 5x से 10x भी चला गया तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसके अंदर आप बुक कर सकते हैं। तो 3 दिन का वक्त है दोस्तों, अपने वॉलेट के अंदर जितने भी मैक्सिमम आप बिट टोकन रखना चाहे रख सकते हैं। अगर मैं बिट टोकन की बात करता हूँ तो यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए, तो ये रहा आपका बिट टोकन, तो इस वक्त 1.18 की है। अगर हम 50 टोकन की भी बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे सिर्फ 58 या $59 तक की आप बात करेगी। मैं कहता हूँ 500 टोकन आप इसके अंदर बाय करके रख लीजिए, क्योंकि प्राइस भी काफ़ी कम है इस वक्त, तो आप इसको रखते हैं तो इन फ्यूचर आपको ये प्रॉफिट तो देगा ही देगा। साथ में बिट टोकन को आप स्टेकिंग पर लगा दीजिए, और इसी बाईबिट एक्सचेंज के अंदर ही आप इसको स्टेकिंग पर लगा सकते हैं अर्न के अंदर, और यहाँ से आप अर्न का रिवार्ड भी पा सकते हैं। साथ में कोई भी प्रोजेक्ट आएगा उसके अंदर आप पार्टिसिपेशन का आपको मौका मिलेगा, कोई भी आइडिया आता है, और साथ के साथ आपको एयर ड्रॉप भी मिलता रहेगा अगर आपके पास बिट टोकन आपके पास होल्ड रहते हैं। तो मैं आपको एयर ड्रॉप कैसे मिलता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं चलता हूँ, अभी मेरे पता नहीं अकाउंट में कितने पैसे हैं, पता भी नहीं, क्योंकि मैं ये अकाउंट यूज़ नहीं करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे IME टोकन मिला था एयर ड्रॉप में 1950/25/3 को, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको ZBC टोकन मिला हुआ है, सन टोकन मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर एयर ड्रॉप सेक्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है,
और ये देखिए 50 टोकन बिट टैप टोकन मिले 500, यहाँ पर फिर देखिए मुझे 50 फिर मिले जीजीएम। और ये देखिए आप 14 12 21 करीब करीब हम ये समझ लेते हैं 3.5 से 4 महीने के अंदर मुझे इतने सारे टोकन्स मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिले हैं सिर्फ बिट टोकन होल्ड करने की वजह से। तो बिट टोकन होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है आपका, और साथ में इस प्लेटफॉर्म को भी आप यूज़ कर सकते हो, जरूर इसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए, अच्छा खासा हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस टोकन के अंदर अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो, चाहे लॉटरी के थ्रू चाहे बिट टोकन के थ्रू। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।